नमस्ते दोस्तों, कभी आपने देखा है कि जब अगर आप कोई मैच देख रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट है, तो आपको अनवांटेड थॉट्स और एंजाइटी कम आएगी क्योंकि आप उस काम में बिल्कुल मशगूल हो, पूरे खो गए हो। तो आप अपने जो थॉट्स हैं, अनवांटेड थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आप विचारों पर ध्यान दोगे तो वो बढ़ेंगे। आपका जो दिमाग है वो एक गार्डन की तरह है। जिन विचारों को आप ज्यादा पानी दोगे, जिन विचारों को खाद दोगे, वैसे विचार ज्यादा आएंगे। अभी क्या है कि जो अनवांटेड विचार आते हैं, आप उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। कैसे इंपॉर्टेंस देते हो? कंपल्शन करके, उसको ज्यादा उस पर अहमियत देके, उसको इंपॉर्टेंस देके। अगर तो उन विचारों को तुम इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो वही तुम्हारे गार्डन गार्डन ऑफ माइंड में उग रहे हैं। तो ऐसा करिए कि आप उन विचारों को जाने दो और जो असली सही विचार है, जो अच्छे विचार है, अच्छी हैबिट्स है, उन पे इम्पोर्टेंस दो। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर ग्लास है जो गंदे पानी से भरा हुआ है और आप उसको सीधा से फेंक नहीं सकते हो, क्योंकि दिमाग से आप उठा के अपने थॉट्स तो नहीं निकाल सकते ना। बट द थिंग इज कि अगर आप उन जो अपने विचार है, उस वो जो गंदा ग्लास, जो ग्लास है जिसमें गंदा पानी है, उसमें आप अगर आप अच्छा पानी डालें पाइप से, तो गंदा पानी निकल जाएगा ऑटोमेटिकली और अच्छा पानी रह जाएगा। वैसे ही आपका जो दिमाग है, उसमें जो आप नेगेटिव पैटर्न्स है, नेगेटिव थॉट्स है, उसको आप अच्छे जो थॉट्स है, अच्छे हैबिट्स है, उससे वो करो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने डाइट की, एक्सरसाइज की, स्लीपिंग की अच्छी हैबिट्स डाली, तो मैं ओसीडी की थेरेपी वगैरह तो कर ही रहा था, पर मैंने अपनी पूरी लाइफ को 180 डिग्री चेंज किया। ठीक है, पूरा चेंज किया था, पूरे अपने हैबिट्स चेंज किए। तो वैसे ही करो, तो आपका जो दिमाग है, आपका जो गार्डन है माइंड, वो उसमें अच्छे गुलाब लगेंगे, ना कि ये जो गंदे जो वीड है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, वो उगेंगे। तो अपने माइंड का आप वॉचमैन बनो। कौन से जो विचार है जो आपको नहीं चाहिए, देखो विचार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, विचार तो आएंगे ऑटोमेटिक, पर किन विचारों को इंपॉर्टेंस देनी है और किन विचारों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, किन विचारों को लेट गो करना है, ऑब्जर्व करना है और जस्ट उनको जानने देना है, वो आपके ऊपर है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस भी काफ़ी हेल्प करेगा इसमें करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। कीप फाइटिंग।